नमस्कार साथियों, आज एक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। वैसे तो मैं इतिहास से संबंध रखता हूं, सामान्य ज्ञान पढ़ाया है, लेकिन आज मैं हिंदी के एक छोटे से प्रकरण लेकिन बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण पर और एक छोटे से वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं, सूत्र के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। विद्यार्थियों, आपने अक्सर वर्ण विचार का प्रकरण पढ़ा है और वर्ण विचार का प्रकरण जब आप पढ़ते हैं तो उस वर्ण विचार के अंदर अलग अलग वर्णों के उच्चारण स्थल पढ़ते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, आप उच्चारण स्थल पढ़ते हैं लेकिन उन उच्चारण स्थलों को याद करने के लिए काफी माथापच्ची करते हैं, लेकिन फिर भी ढाक के तीन पात अब उच्चारण स्थलों को याद नहीं कर पाते। मैं एक सामान्य सा सूत्र आपको बताऊंगा, संस्कृत को जोड़ते हुए हिंदी के सूत्र, हिंदी का उच्चारण स्थल, संस्कृत के सूत्रों का सहयोग लेते हुए हिंदी के सूत्रों की बात करेंगे, हिंदी के उच्चारण स्थलों की बात करेंगे। कौन सा वर्ण हिंदी के अंदर कंठ से बोला जाता है, कौन सा वर्ण दंत से बोला जाता है, कौन सा वर्ण तालु से बोला जाता है, कौन सा वर्ण मूर्धा से बोला जाता है, मैं केवल सूत्र के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से परीक्षा उपयोगी सामग्री के रूप में कैसे कंठस्थ किया जाए, मैं विशेष रूप से इसकी बात करने वाला हूं। विद्यार्थियों, मैं कुछ सूत्रों का यहां पर हवाला लूंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अकुहू विसर्जनीय कंठ, केवल पांच छह सूत्र याद करने और कुछ भी याद नहीं करना है। अकुहू विसर्जनीय कंठ, विद्यार्थियों मैं सूत्र इस साइड लिख रहा हूं और उस सूत्र में निहित जो अक्षर है वो एक साइड लिखे है। अकुहू विसर्जनीय कंठ, जरा ध्यान दे, इसमें लिखा है कंठ मतलब कंठ, बात कंठ की कर रहा हूं। अकुहू विसर्जनीय कंठ, एक बात ध्यान दीजिएगा, एक एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। अकुहू विसर्जनीय कंठ, इसमें सबसे पहला अक्षर अ, अब पहला अक्षर लेंगे अ तो अ का जाति भाई भी साथ में लेंगे और अ का जाति भाई कौन सा है, आ। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा इस बात को विचार करें कि अ आया, इसका मतलब अ और आ दोनों आएगा। अकू विसर्जनीय कंठ, अ आया, इसका मतलब अ और आ दोनों आएगा। कु, जिसके नीचे ये ऊ की मात्रा लगी है, मैं जितने भी सूत्र बताऊंगा सब में ये ऊ की मात्रा जहां लगी होगी उसका मतलब वह वर्ग पूरा, तो कु का मतलब है क वर्ग पूरा। ध्यान दीजिए, मैं उम्मीद करता हूं क वर्ग आपको याद होगा ही, क वर्ग पूरा, क ख ग घ, ये जितना भी क वर्ग है पूरा, ये क वर्ग आपको याद होगा ही, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो निश्चित रूप से याद रखने का तरीका, क्योंकि वीडियो मुझे छोटा बनाना है तो मैं सारे वर्गों के सारे सारे अक्षर नहीं लिख रहा हूं यहां। कु में क वर्ग पूरा आ गया, फिर इधर ह आ गया और इधर विसर्ग आ गया, ये सभी किससे बोले जाते हैं विद्यार्थियों, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, ये सभी कहां से बोले जाते हैं, कंठ से। अकु विसर्जनीय कंठ, अकु विसर्जनीय कंठ, अ यानी कि अ और आ दोनों, कु यानी कि क वर्ग पूराई, क ख ग घ पूराई, और ह और विसर्ग ये सभी कहां से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, गले से बोले जाते हैं, कंठ से इनका उच्चारण होता है। मैं समझता हूं ये रामबाण सूत्र है जो संस्कृत से मैंने लिया है और ये हिंदी के अंदर भी आपको याद रहेगा। अकु विसर्जनीय कंठ, अ और आ, क वर्ग, ह और विसर्ग, ये सभी कहां से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो हमारा पहला सूत्र आपके सामने आ गया, अकु विसर्जनीय कंठ, अकु विसर्जनीय कंठ। मैं अगले पेज के ऊपर चल रहा हूं, विद्यार्थियों ध्यान दे, अगले पेज के ऊपर आपके सामने लेकर चल रहा हूं। अकु विसर्जनीय कंठ के बाद दूसरा सूत्र ले रहा हूं, इचु यशानाम तालु। ध्यान दीजिए, हमारे हम जिस मारवाड़ क्षेत्र के निवासी है वहां श स श सारे स को हम एक ही कर देते हैं, लेकिन उनके उच्चारण स्थल क्या है, अलग अलग। इचु यशानाम तालु, विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, मैं अगले सूत्र की तरफ लेकर चल रहा हूं, इचु यशानाम तालु, दूसरा सूत्र ले रहा हूं, ई चू यशानाम, इचु यशानाम तालु। जरा ध्यान दे,
मैंने उस सूत्र के अक्षरों को यहां लिख दिया और पूरे सूत्र को मैं उस साइड लिख देता हूं। इचु यशानाम तालु, याद रखने का तरीका है इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु सूत्र बोलने के हिसाब से, लेकिन इसमें लिया ई चू य और श, या फिर याद रखने के लिए इसको इचु यश तालु भी कह सकते हैं। अब इचु यश तालु का जब सूत्र अपन यूज करेंगे तो विद्यार्थियों ध्यान दें, ई आया इसका मतलब ई आएगा तो ई ई का भाई ई की बहन जो भी है वो तो साथ में लेना ही पड़ेगा, इसलिए ई का मतलब हो गया ई और ई, ये दोनों जाति भाई है जाति बहन है इनको ले लिया। चू आया इसका मतलब च वर्ग पूरा ही, च छ ज झ न ये सारे ही, मैं सारे अक्षर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चू का मतलब च वर्ग पूरा ही, ये भी आपके कहां से बोला जाता है तालु से बोला जाता है, य कहां से बोला जाता है तालु से, और ये श आप लोग अक्सर इसे संकर वाला श कहते हैं लेकिन आज से आप इसे बोलेंगे तालु वाला श, ये तालु वाला श है। जो विद्यार्थी आपको जानकारी हो हमारे तालु से बोला जाता है ई यानी कि ई और ई, चू यानी च वर्ग, य शंकर वाला श, लेकिन अब क्या बोलोगे तालु वाला श, ये तालु वाला श ये सभी कहां से बोले जाते हैं तालु से, इचु यशानाम तालु सूत्र याद हुआ और वर्ण विचार की कड़ी में दूसरा सूत्र। पहला सूत्र कौन सा था विद्यार्थियों, पहला सूत्र आपके था अकु विसर्जनीय कंठ्य, दूसरा सूत्र है इचु यशानाम तालु। अब मैं आपके तीसरे पेज के ऊपर चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा तीसरा पेज मैं आपके सामने ले रहा हूं और तीसरे पेज के अंदर सूत्र नंबर तीन पे आ रहा हूं, तीन पे सूत्र, और तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धन्य। विद्यार्थियों गौर करिए ऋतु रसाणाम मूर्धन्य, जैसे री टू री आया तो फिर री रीव का वर्ग पूरा ही जाति भाई री री जो भी कह दो आप, टू री टू रसाणाम ऋतु रसाणाम, और लिखने के लिए लिख रहा हूं री टू रश, ऋतु रसाणाम मूर्धन्य ध्यान दीजिएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धन्य, ऋतु रसाणाम मूर्धन्य। विद्यार्थियों गौर करिए ऋतु रसाणाम मूर्धन्य, अब जब मैंने ऋतु रसाणाम मूर्धन्य लिखा है तो सूत्र के ऊपर भी आपको लेकर आ रहा हूं। री आ गया, जरा ध्यान दे हिंदी में जो भी री री है वो री आ जाएगी। टू आया इसका मतलब ट वर्ग, ट वर्ग ट ठ ड ढ न ये सारा ही ट वर्ग आ गया। र और ये श जिसको पेट फाड़ स कह रहा हूं, जिसको षटकोण वाला स कह रहा हूं, लेकिन आज से आप इसको क्या बोलेंगे मूर्धन्य स बोलेंगे, ये मूर्धा वाला स विद्यार्थियों ध्यान दे आज से इसको आप मूर्धन्य स बोलेंगे। तो ये हमारी बोली के अंदर चूंकि तीनों स एक ही जगह से, हम चाहे स सड़क वाला हो चाहे संकर वाला हो चाहे षटकोण वाला हो चाहे दांत वाला हो चाहे मूर्धा वाला हो चाहे तालु वाला हो, हम एक ही जगह से निकालते हैं, लेकिन आपको इन सूत्रों के माध्यम से ध्यान देना है। ऋतु रसाणाम मूर्धन्य यानी कि री आ गया, टू यानी ट वर्ग आ गया, र आ गया और षटकोण वाला श आ गया, ये कहां से बोले जाते हैं मूर्धा से बोले जाते हैं। मैंने एक बात कही है जिस अक्षर के नीचे ऊ की मात्रा है वो पूरा का पूरा वर्ग है, इस बात को ध्यान रखे आप लोग। मैं अगले पेज के ऊपर चल रहा हूं, विद्यार्थियों ध्यान दीजिए अगले पेज के ऊपर, पेज नंबर चार के ऊपर चल रहा हूं और पेज नंबर चार पर मैं चौथे सूत्र की बात कर रहा हूं। मैंने तीन सूत्र अभी बताए, अकु विसर्जनीय कंठ्य, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धन्य, लेकिन एक चौथा सूत्र संस्कृत में आता है ऋतु रसाणाम दंत्य, लेकिन हिंदी में लर होता नहीं है, हिंदी के वर्णों में लर को काउंट नहीं करते, संस्कृत में काउंट करते हैं, तो हम इसको मॉडिफाइड कर लेंगे। इस सूत्र को जरा ध्यान दीजिए, इस सूत्र को हिंदी के अकॉर्डिंग मूर्ध हम मॉडिफाई करते हैं, वास्तव में होता है ऋतु रसाणाम दंत्य, वास्तव में ध्यान दीजिए ऋतु रसाणाम दंत्य, लेकिन गौर करिएगा हम यहां पर री को हटा देते हैं। तुलस दंत्य सूत्र याद रखना है, तुलस दंत्य हमारे को हिंदी के हिसाब से तुलस दंत्य का सूत्र याद करेंगे, और तुलस दंत्य का सूत्र जब आप याद करोगे तू ल स और तुलस दंत्य, ये सूत्र जब अपन याद करें तो तू आया इसका मतलब क्या आया त वर्ग पूरा ही आ गया। विद्यार्थियों जरा ध्यान दे, तू आया इसका मतलब त वर्ग पूरा ही आ गया, त थ द ध न त वर्ग पूरा ही आ गया, जिसके नीचे ऊ की मात्रा है वो वर्ग पूरा लेना है, पांच अक्षर उसके पूरे लेने हैं, तू यानी कि त वर्ग आ गया। ल आ गया, ध्यान दीजिएगा ल,
ये यर अलव ये किसी न किसी के अंदर आएंगे। हर सूत्र को आराम से ढंग से इस वीडियो को रिवाइव करके भी देखिएगा। ल आ गया, पूरा ही ल आ गया। और ल आने के बाद विद्यार्थियों गौर करिए, यहां पर एक बात ध्यान देनी है, ल आ गया, ल आने के बाद में ये सड़क वाला स, अब ये सड़क वाला स कह दीजिए, ये समोसे वाला स कह दीजिए, ये सही वाला स कह दीजिए, ये स आ गया। और ये स भी कहां से बोलते हैं, ये स स ये दांत से बोलते हैं, वो श तालू से, वो पेड़ फाड़ स वो मूर्धा से, अलग अलग उच्चारण स्थल है, लेकिन हमने कभी गौर नहीं किया इस पे, हम एक ही जगह से बोलते आए। तुलस दंत्य, तुलस तु, तु यानी त वर्ग, ल आ गया, सड़क वाला स आ गया, ये सब कहां से बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। तुलस दंत्य ध्यान दीजिएगा, ये तुलस दंत्य तू यानी कि त वर्ग पूरा, ल सड़क वाला स, ये सब कहां से बोले जाते हैं, दंत से। अभी तक आपने चार सूत्र पढ़े, अकू विसर्जनीय कंठ्य, अकू विसर्जनीय कंठ्य, इचु यशानाम तालू, इचु यशानाम तालू, ऋतु रसानाम मूर्धन्य, तुलस्य दंत्य, और अब एक सूत्र और आता है, पांचवी स्लाइड पे ले रहा हूं, उपुओष्ठ। विद्यार्थियों गौर करिएगा, एक सूत्र और मैं यहां पर ले रहा हूं, उपुओष्ठ, जरा ध्यान दीजिएगा, उपुओष्ठ, 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 जरा गौर करिए, उपुओष्ठ, ओष्ठ का मतलब क्या होता है, होठ होता है। यहां पर सूत्र को आप वहां पर भी आपको चाहे संस्कृत के हिसाब से सूत्र को लिखूं, उपुओष्ठ, उपुओष्ठ का मतलब उ और प वर्ग कहां से बोले जाते हैं, होठ से बोले जाते हैं। विद्यार्थी आपको जानकारी हो, उ अब उ लिखा है तो उ का जाति भाई उ भी लिखना पड़ेगा, उ उ ये दोनों भी कहां से बोले जाते हैं, होठ से बोले जाते हैं। यानी कि प वर्ग, प फ ब भ म, ये प वर्ग भी कहां से बोला जाता है, होठ से, ओष्ठ से बोला जाता है। विद्यार्थियों आपने गौर किया, क वर्ग भी आया, च वर्ग भी आया, ट वर्ग भी आया, ट वर्ग भी आया, और प वर्ग भी आया। ये इस तरीके से हमने अ और आ को भी लिया कु विसर्जन्य कंठ में, हमने ई और ई को भी लिया इचु यशानाम तालु में, हमने ऊ और ऊ को भी लिया उपुओष्ठ में। लेकिन विद्यार्थियों कुछ वर्ण बच जाते हैं, उनको भी अगली स्लाइड के ऊपर देख लेते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर कुछ और जरा ध्यान दीजिए, ए आई कंठ तालु, ए आई कंठ तालु, पीछे बचे हुए जो वर्ण हैं उनको भी दो चार बार लगातार बोलोगे याद हो जाएंगे, ए आई कंठ तालु, ओ ओ ओ औ कंठोष्ठ, ध्यान दीजिए, ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, और व किस में आएगा, दंतोष्ठ, व किस में आएगा, व बचा हुआ है ध्यान दीजिए, व किस में आएगा, दंतोष्ठ के अंदर आएगा, क्योंकि आप देखिए यर लव, यर लव के अंदर य इचु यशानाम तालु, र ऋतु रसानाम मूर्धन्य, ल तुलस दंत्य, और व बच गया, व किस में आएगा, दंतोष्ठ में आएगा। इस तरीके से विद्यार्थियों आप एक बार जरा गौर करिए इस चीज को, हम लोगों ने जितने भी सूत्र पढ़े उन सूत्रों के माध्यम से इस वीडियो को एक बार आप रिवाइव करिएगा, इस वीडियो को आराम से एक बार जो है वो देखिएगा किस तरीके से आपको याद होता है उच्चारण स्थल। मैं समझता हूं कि एक बार अगर पूरे वीडियो को आप रिवाइव कर लेते हो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वर्ण विचार के अंदर उच्चारण स्थल के अंदर किस प्रकार से जो है वो बात होती है। इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मैं हिंदी का नहीं हूं, मैं इतिहास का हूं, मैं सामान्य ज्ञान का हूं, और पहले गणित का रहा हूं, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स एम हिस्ट्री हूं, लेकिन यह वीडियो हिंदी के बारे में बनाया है। और मुझे उम्मीद है अगर पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उम्मीद है पसंद आएगा, नहीं पसंद आए तो सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।